हेलो फ्रेंड, दिस इज विशाल और आसान टेक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगा स्मार्ट फैन का डोर बॉटम सीलिंग स्ट्राइक। ये होता है जैसे कि आप अपने कमरे में एसी लगाए हैं, उसको सील करना है, या फिर शाम को जाता है छोटा छोटा गैप है, तो ये गैप को गार्ड करता है। यानी इसको बोल सकते हैं कि डोर अंडर डोर फैब्रिक ट्विन ड्राफ्ट गार्ड या कवर स्टॉप लाइट डस्ट कूल एयर एस्केप प्रोटेक्टर, कुछ भी कह सकते हैं, इसका बहुत नाम है। इसको मैंने अमेजन से मंगाया है, तुरंत से देख लेते हैं। मेरा मेन जो उद्देश्य है, ये देखिए सर्प सांप टाइप खुद ही दिख रहा है। ये देखिए, तो ये कितना है, एक और दो और तीन। तो ये देखिए जो स्ट्राइप्स है, ये तीन स्ट्राइप्स है और ये मुझे मिला है 89 में एक, यानी तीन मिला है 267 रुपीज में। अब मैं इसको आपको दिखा देता हूँ किसी एक को खोल के। ये देखिए क्या चीज है, ये देखिए। पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका मुंह, देखिए ये फोम है जो फैब्रिक है, ये जो ये है ना, ये फोम है ये, और फिर ये देखिए लाइन से जा रहा है, और ये जो है ये भी फैब्रिक है, पॉलिस्टर टाइप का, पॉलिस्टर ही है। इधर क्या है, कुछ नहीं है। अब ये क्या करेगा, ये कैसा बनाया गया है कि आप डोर, जैसे मान लीजिए डोर है, डोर के गैप में ऐसा लगाएंगे और ऐसा इसको इजेक्ट कर देंगे, तो डोर के गैप में जाके ये बंद हो जाएगा और आपके हवा को, जो एसी का जो हवा होता है, वो निकल जाता है, बाथरूम के दरवाजे में घुस जाता है, कभी कभी छोटे मोटे सांप भी आए, तो दरवाजे में गैप है और सांप भी आ सकता है। तो मैं एक ठोको आपको लगा के दिखाऊंगा, इसको आप काट भी सकते हैं। इसकी चौड़ाई बहुत अच्छी है, लगभग 3-3.5 फीट की है, तो मैं इसको आपको लगा के भी दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये है मेरा बाथरूम डोर, ये देखिए इसमें कितना गैप है। इसको ये खुल जाता है और अंदर से प्रकाश भी आता है और ये हवा भी एसी की चली जाती है। तो मैं इसी के ऊपर आपको लगा के दिखाऊंगा। अब आपको कुछ देखने वाली चीज़ आपको बताता हूँ। ये देखिए दो साइड है, एक साइड ऐसा है अंदर घुसा हुआ, एक साइड ये क्रीच लगा हुआ है, ये देखिए जहाँ आपको ये दबाने पे कपड़ा निकलता है, कपड़ा नहीं निकल रहा है, ये कपड़ा निकलता है। तो जहाँ आपका ये क्रीच निकल रहा है, कपड़ा निकल रहा है, इस साइड से आपको लगाना है। मैंने इसे काट लिया दरवाजे के अनुसार और देखिए कैसे लगाते हैं। आपको इसको दरवाजे के कोने पे ऐसे रख के ऐसे स्लाइड करना है। ये देखिए मैं स्लाइड करता हूँ, अब इसको मैं बंद कर देता हूँ, देखिएगा आप, और अंदर कुंडी भी लग जाती है एकदम, इसे बंद हो गया। ये देखिए, ये देखिए बाहर से भी बंद करता हूँ, ये देखिए, और ये देखिए कुंडी भी लग गई। अब फिर नीचे मैं दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ से आपको लगता है कि अब यहाँ से एयर जाएगी या सांप छोटा मोटा छिपकली कुछ आ सकती है, नहीं, एकदम एग्जैक्टली अच्छा हो गया। अंदर से भी दिखा देता हूँ, ये देखिए अंदर से, ये देखिए ये बंद हुआ, और यहाँ देखिए ये कुंडी लगी। फिर से देखिए नीचे, ये देखिए एग्जैक्ट ये कटा हुआ यहाँ से यहाँ तक का, ये देखिए एग्जैक्ट ये यहाँ से यहाँ तक का लगा हुआ है। अगर यहाँ कुछ जाना भी चाहे तो यहाँ से उधर नहीं जा सकता। तो फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ऐसा कुछ है, और आपको जिधर दबाने से क्रीच बने, ये देखिए यहाँ दबाने से क्रीच बन रहा है और इधर दबाने से क्रीच नहीं बन रहा है, तो आपको लगेगा कि यहीं से करें, लेकिन आपको जिधर क्रीच बन रहा है इधर से आपको ऐसे स्लाइड करना है। फिर से मैं उसका फैब्रिक आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए फैब्रिक इसका, और मेरा तो काम हो गया है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इसको ऑफिस में कहीं भी अपने घर में यूज कर सकते हैं, जैसे बच्चों के लिए, या फिर एसी ना जाए, एज अ साउंड प्रूफ तो नहीं है लेकिन एयर प्रूफ हो सकता है। और इसी तरीके के अनयूजुअल और डेली लाइफ के टिप्स एंड ट्रिक के लिए बने रहें आसान टेक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।